उद्देश्य को लेकर इंजीनियर क्या दिशा निर्देश दिए? देखिए 23 तारीख को काउंटिंग होगी, 12 तारीख को पोलिंग हुई है, तो 7 दिन के बाद हमारी कोशिश यही है कि 9 के 9 विधानसभा के हमारे वर्कर साथियों को पूर्ण रूप से बधाई देने के लिए और भविष्य में हमने अपने इस लोकसभा क्षेत्र को कैसे आगे लेके जाना है, चाहे वो स्कीम नेशनल लेवल की हो, भारत सरकार की, स्टेट लेवल की, लोकल बॉडीज या जिला पंचायतों की, हम हर सेक्टर में हम पूरे 5 साल के लिए आगे कैसे बढ़ सकते हैं उस प्रकार की प्रपोजल भी साथ में मांगी है धन्यवाद के साथ साथ। और दूसरा सबको धन्यवाद दिया जिन्होंने बड़ी मेहनत करके पहली दफ़ा एक भी वर्कर या कोई नेता ऐसा नहीं था इस लोकसभा क्षेत्र में जिसने दिन रात मेहनत ना की हो, इसलिए उन सबको बधाई, जनता को बधाई, साथ में उन विपक्षी नेताओं को भी जो किसी पार्टी के हैं। पहली बार मैंने देखा कि ऐसी कोई भी कटु बात पक्ष विपक्ष में नहीं आई, इसलिए वो सभी बधाई के पात्र हैं। पहली दफ़ा उन्होंने एक समाज को जोड़ने का काम सभी ने किया है, एक अच्छी प्रजातंत्र प्रणाली में मेरी मान के चलता हूँ बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर इतने आश्वस्त कैसे हैं कि आपने बधाई भी दे दी और आगे योजनाओं को तैयार भी करने लग गए? देखिए केवल 5 साल की योजना बनाने में पहले प्लानिंग कमीशन होता था देश में जो 5 साल के लिए योजनाएं बनती थी, अब प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग बन चुका है भारत के अंदर। हम केवल 5 साल के लिए मकान नहीं बनाते, हम 100 साल के लिए बनाते हैं। हमारा देश 100 साल आगे तक कैसे जा सकता है, हमने तो सिर्फ आगे की 5 साल के लिए की है। 5 साल के लिए भी आप क्या ज़्यादा मान के चलते हो? आज आप और हम सब ने भविष्य में ये देश कैसा हो ये सोचना पड़ेगा और योजनाएं हमने बनानी पड़ेंगी, इसलिए और योजनाएं जितनी भी बनती हैं वो नीचे से फीडबैक के बाद बढ़ती है तो उसका रिजल्ट अच्छा रहता है। सर अभी मतगणना नहीं हुई तो ऐसे में बधाई देना और योजना बनाना आगे के प्लान बनाना उसके पीछे क्या राज है? ये सारा देश योजनाएं बनाता है, क्या हम घर में बैठते हैं अपने घर में माँ बाप या गार्जियन क्या योजनाएं नहीं बनाता? क्या आप लोगों को ये योजनाएं बनाना भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता? मैं मीडिया के साथियों को भी कहूँगा कि वो भी योजनाओं बनाने में सहायता करें। तो सर क्या लगता है कितने से जीत होगी आपके, आपने बताया? मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि पिछली बार से दुगना 2,70,000 से स्टार्ट होगी, कितनी जा सकती है उसका पता है। सर आपने दादरी की एक बात कही है, दादरी में कुछ के लिए बधाई देता हूँ जिन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव करवाए हैं, पूरे 21 के 21 दिन किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई। नंबर 2, उन नेताओं को उनसे भी आपसे भी ज्यादा बधाई देता हूँ, उन नेताओं को जो विपक्ष के हैं चाहे किसी पार्टी का कोई भी हो, इस सारे चुनाव में कोई भी ऐसी बात निकल के नहीं आई जिससे समाज में परिवार में इलाके में मन मुटाव आया, इसलिए मैं उन लोगों का भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने ऐसा माहौल पैदा करने में सबका साथ दिया, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, आने वाले समय में ताकि इसी प्रकार की विचारधारा आगे बढ़े, इसलिए धन्यवाद।